टाटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? क्या चल रहा है लाइफ में? कैसी हो रही है पतंगबाजी? दोस्तों अपने कमेंट्स दीजिए, कुछ रिव्यू, कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए। बाकी दोस्तों आज कुछ हम नया ट्राई करने वाले। नया क्या मतलब, ये आप लोगों पर डिपेंड है। अगर आप इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। और नया हम क्या करने वाले हैं, अभी तक तो मैं मांझों का रिव्यू कर रहा हूँ, जो मेरे पास मांझे अच्छे, जो मुझे अच्छे लगते हैं उड़ाते हुए, उड़ाने में, और जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, मैंने उन सबको रिव्यू किया है और आगे भी करता रहूँगा। बट इसके साथ अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे मांझे हैं, ये नहीं कि मेरे पास हर करियर का मांझा हो, और आप चाहते हैं कि लोगों को उसके बारे में पता चले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक वीडियो बना के, 4 से 5 मिनट का, जो भी जैसे भी आपको सही लगे। इवन आप उस पर बड़ा वीडियो भी बना सकते हैं कि कौन सा कारीगर है, क्या प्राइस है, आपको क्या पसंद आया उस मांझे में, क्या उसकी खूबियाँ हैं जो आपको अच्छी लगती है, और आप रिकमेंड करते हैं किन लोगों के लिए, कि कौन पतंगबाज है जिनके लिए वो मांझा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा वीडियो बना के भेजिए और मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा। तो उससे क्या होगा कि देखो हर मांझा मेरे पास भी नहीं है, जो है मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ, कुछ नए बाय कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स सपोज कि आपको कोई ऐसा मांझा जो मेरे पास अभी तक रिव्यू नहीं हुआ और आपको लगता है कि इसका रिव्यू होना चाहिए और आपके पास और काफ़ी अच्छा मांझा है, तो आप उसका वीडियो बना के भेजिए। और उसी तरफ मेरी एक पहली पहल है, उसके लिए मैं एक बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे एक दोस्त का, जिनका नाम है भविष्य सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, इनके पास नसीम भाई का C28 है जो मेरे पास नहीं था। तो इनका मैसेज आया था कि काफ़ी अच्छा मांझा है, काफ़ी ये है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि क्यों ना आप उस मांझे का रिव्यू करो और हम उसको यूट्यूब पे चलाएं, उस पर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो वो एग्री हुए और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा है। और ये एक सब्सक्राइबर का रिव्यू है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे बेचना है जब मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ। ये भी एक आप लगा सकते हैं, कोई अगर सब्सक्राइबर उनको पसंद है वाकई में, कुछ खूबी देखी होगी तभी उन्हें, उनके पास इतने मांझे हैं, उसमें से उन्होंने एक मांझे का रिव्यू किया है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी। तो आपके लिए भी मतलब इवन आप भी, अब C28 मांझे का, जैसे मैं 1 2 3 करा था, बट ये C28 का रिव्यू है और वो मोस्टली छतों से उड़ाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो उन्होंने बोला कि इस मांझे को आप रिव्यू कीजिए, तो मैंने उनसे बोला कि आप क्यों ना रिव्यू करें इस मांझे को। तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा है, तो मैं आगे उसको अपलोड कर रहा हूँ, इस पर आगे मैं उसको वीडियो को डाल रहा हूँ, तो आप उस मांझे का रिव्यू देखिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको भी, आपके पास भी ऐसे कुछ अच्छे मांझे हैं, तो कृपया उस ऐसे मांझों के रिव्यू बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। आई विल डेफिनेटली अपलोड देम ऑन माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो इसी बहाने एक आपका वीडियो भी आ जाएगा, आपके मतलब कहते हैं ना, आपके वर्ड्स में, आपके तरीके से, और एक मांझे का रिव्यू भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों उनकी वीडियो अपलोड करते हैं, उनका वीडियो आगे मैं रन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अनरैप कर रहा हूँ C28 मांझा हमारे नसीम भाई का। देखिए किस तरह का, बहुत ही बेहतरीन कलर और क्वालिटी लगा के देते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर इन्होंने लगा के दिया, जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन, और ये मांझा C28 पे लगा हुआ है, पांडा आर्ट, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से मांझा देखिए छल्ला बना रहा है। आप शार्पनेस बोलेंगे तो शार्पनेस की जगह शार्पनेस पूरी दी है, और स्मूथनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त दी है, मतलब कांटा इतना ज़बरदस्त लगा के दिया है कि देखिए आप इस तरह से छुएंगे तो पता चलेगा कि आप निशान छू रहा है, उतना ज़बरदस्त ये लच्छे बना रहा है। और स्मूथनेस बहुत ही शानदार, मतलब खींच के तो लड़ेगी ही, फंसा के लड़ने के लिए भी बहुत ही ज़ोरदार इन्होंने दौर लगा के दी है। और मांझे की आप बारीकी से देखिए, एक एक रग इस मांझे की खुली हुई है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लगा के दिया है। ये पांडा आर्ट का इन्होंने स्टिकर भी यहाँ अटैच किया है, स्टिकर की आप अगर इनसे लेना चाहें तो सीधा इनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, मतलब शार्पनेस के साथ स्मूथनेस इतनी ज़बरदस्त लगा के दिया, बहुत ही कम कीमत के अंदर। कीमत आप सीधे मेकर से पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। तो देखा दोस्तों, तो देखा अपने दोस्तों,
एंड थैंक्स अ लॉट टू सर जो आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया, टाइम निकाला अपना और मांझे का रिव्यू करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आगे भी मांझे के रिव्यू मुझे भेजते रहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मांझे के वीडियो को अपलोड करता रहूँ। बाकी सबसे रिक्वेस्ट दोस्तों, आप इस बार मैं नहीं, आप मांझे का रिव्यू करिए। और आप जिस भी मांझे का रिव्यू करेंगे, डेफिनेटली अगर वो मांझे रिव्यू अच्छा हुआ तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालूंगा। तो लेट्स सपोर्ट कि आप भी मतलब पतंगबाज के शौकीन, आप चाहते हैं कि लोगों को अच्छी जानकारी मिले, तो सपोर्ट मी गाइस। इसी बहाने आपके मांझे का रिव्यू भी हो जाएगा, लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लोगों को भी एक अच्छा मांझा मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पतंगबाजों की टेप कर रखी है, मैंने टेपिंग कर रखी है। बहुत जल्दी मैं कन्नों पे वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले टेपिंग दिखा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज इस तरीके से हम टेपिंग करते हैं अपनी पतंगों की। देख के बताइए दोस्तों कैसी लग रही है आपको टेपिंग। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, कुछ और अपग्रेड हो सकते हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। ये इस तरीके से मैं टेपिंग करता हूँ अपनी पतंगों की। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को यूँ ही शेयर करते रहिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स थैंक्स वंस अगेन एवरीवन। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेकिंग द वीडियो। इस तरह वीडियो बनाते रहिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।